और एक मैडम बोली है सूट तो नहीं हुआ मेरा। हम लोग क्यों सूट करेंगे मैडम का फोटो वीडियो, हम लोग अपना सूट करने में ही एक आदमी को लेके आना पड़ा है। ठीक है समझ गया। यहाँ पे आपको एक टेलीफोन मिलता है जो कि घर पे बात करने के लिए नहीं, यहाँ के यूज के लिए। और यहाँ से भी अगर नीचे का व्यू देखेंगे, क्लोज से देखेंगे, शाबाश पता चलेगा वही बात बड़ी। ये जो सड़क का व्यू है देख पा रहे हैं आप, फोटो में सिर्फ ऐसा है, वैसा है नहीं। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गरबान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। और इसको बनने में लगभग 25 करोड़ रुपया लगा है। इसका हाफ पैंट ये सब ट्राउजर वाउजर उस तरह का कुछ अलाउ नहीं है। तो ये तो देखिए सीढ़ी से चल रहा है, सॉरी लिफ्ट इधर। तो गाइस आज हम लोग आए हैं विश्व बंगला में, और हम लोग जो आए हैं वो टूर के लिए आए हैं, क्योंकि टूर वाला की जगह बुक माई शो पे देखेंगे तो वहाँ आप 100 रुपीज़ से पूरा टूर कर सकते हैं, वो भी 45 से एक घंटे के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले आपको बता दें अगर आप कोलकाता से नहीं हो तो यहाँ आने के लिए सबसे आपको ईजी स्टेप क्या है, आप हावड़ा आएँ और हावड़ा से उतरे और वहाँ से आप बस ले सकते हैं, तो 40-50 रुपीज़ में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। वही अगर आप कैब वैब लेना चाहते हैं तो कैब वैब भी आप ले सकते हैं। फिलहाल अगर बताऊँ इसको बनने का, तो 2017 में ये बना था और इसको बनने में ऑलमोस्ट 2 साल लगा था, तो 2019 तक ये रेडी हुआ था। उसके बाद यहाँ का चीफ मिनिस्टर इसको ओपनिंग किया था, और हम लोग आज जाएंगे अंदर और देखेंगे किस तरह के अंदर होने वाला है। इस बार आए हम लोग एक्चुअली बाइक से आए हैं, तो बाइक पार्किंग के लिए साइड में जगह था तो वहाँ हम लोग बाइक पार्किंग लगा दिए हैं। और बात करेंगे विश्व बंगला का, तो ऊपर में आपको टॉयलेट वॉयलेट कुछ नहीं है, और साथ ही बात करेंगे आपको ऊपर जाने के लिए, तो उस पर आपको बरमूडा मतलब हाफ पैंट ये सब ट्राउजर वाउजर उस तरह का कुछ अलाउ नहीं है। तो हम लोग जाके भी देखेंगे ऊपर में किस तरह का है, चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग एक सबवे मिला है, तो सबवे से हम लोग उस पार जा रहे हैं, क्योंकि उस तरफ पार जाने का कोई दूसरा रास्ता था नहीं, ये सबवे था जो कि देख सकते हैं काफ़ी सही है। और अंदर में आपको लगेगा कोई मेट्रो स्टेशन में आ गए हम लोग, लेकिन ये मेट्रो स्टेशन है नहीं, ये सबवे है इधर से उधर जाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं। थैंक यू दादा, आपकी कोशिश करके मैं बोल दिया था। चलो खाते हैं। अरे ये तो देखिए सीढ़ी से चल रहा है, सॉरी लिफ्ट इधर। इधर से घूमना है दादा, इधर देखिए तो रिसेप्शन है, और रिसेप्शन है, अभी घूमने का टाइम है तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, बस इधर खाने के लिए। और नीचे का व्यू यहाँ से देखिए, क्लोज से दिखा दो, वही अगर इधर देखेंगे खाने के लिए चेयर है, नॉर्मल लकड़ी का चेयर है, और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर विक्टोरिया का वॉलपेपर है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, ऊपर एयर कंडीशन ठीक है, और कैमरा वमरा तो सब कुछ रहता ही है। इधर मेनू वेन्यू के लिए है, ग्लास व्लास के लिए, बट हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं तो पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 100 रुपीज़ में सिर्फ टूर करने के लिए है। और ये जो टाइम है 5 से 6 का स्लॉट और 6 से 7 का स्लॉट, वो सिर्फ घूमने के लिए है। और साथ ही उसका अगर इधर से फ़ोटो देखेंगे तो यहाँ बहुत ही तगड़ा वाला फर्स्ट क्लास वाला फ़ोटो यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं फ़ोटो में सिर्फ ऐसा है, वैसा है नहीं। और इसको बनने में लगभग 25 करोड़ रुपया लगा है इसको पूरा रेडी होने में, क्योंकि आपको बताया था 2019 में ये पूरा लंच हुआ है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इसको ओपन की है। फिलहाल यहाँ से व्यू देखेंगे तो काफ़ी सही व्यू है, नीचे का ज़्यादा हाइट नहीं है, 4-5 फ्लोर समथिंग हाइट है, अगर ऊपर से आप देखेंगे तो बहुत ही सही व्यू लग रहा है। रात को उस लेवल का लग नहीं रहा है बट अच्छा लग रहा है। चलिए आइए इस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ फ्री वाईफाई मिलेगा जो कि देख सकते हैं, और आगे अगर चलेंगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। फिलहाल अगर हम लोग इस तरफ आते हैं और देखते हैं तो ये जो विश्व बंगला लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं अंदर से ये लिखा हुआ है, बट आपको बाहर से वो पूरा में देखने को मिलता है। वही अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ क्रिकेटर लोग का फोटो वोटो है, साथ ही इधर बैठने के लिए कुछ लॉन्च टाइप का बनाया गया है, बट हम लोग तो आए हैं सिर्फ वो घूमने टूरिस्ट में, क्योंकि जब टूरिस्ट का टाइम होता है तो बंद रहता है पूरा,
वो खाने वाने के लिए जो भी टाइम है बंद होता है अभी, वो मेंटेनेंस होता है। और फिलहाल हम लोग टूरिस्ट का 100 रुपीज़ दे के भी यहाँ बैठ सकते हैं, तो ये काफ़ी सही है कि आप टूर करने आए और यहाँ पे आराम से बैठ के 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया वाला। और यहाँ पे ऐसे ही बैठने के लिए बनाया हुआ है। फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और देखेंगे क्या क्यों ना शूट कर पाओ अपना। और एक मैडम बोलिए शूट तो नहीं हुआ मेरा, हम लोग क्यों शूट करेंगे मैडम का फोटो वीडियो, हम लोग अपना शूट करने में ही एक आदमी को लेके आना पड़ा है। तो हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये पुराना पुराना सिनेमा घर है और वो लोग का यहाँ पे फोटो है। और ये जो है ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए है, मेरे ख्याल से इसको खोलना अभी नहीं है क्योंकि ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए दिया हुआ है। फिर हम और लोग यहाँ से निकलते हैं और यहाँ भी बैठने के लिए एक छोटा सा जगह है, बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर नीचे का व्यू देखेंगे, क्लोज से देखेंगे तो आपको पता चलेगा वही ये जो सड़क का व्यू है देख पा रहे होंगे, काफ़ी प्यारा लग रहा होगा। और नीचे उतरने के लिए जो इमरजेंसी एग्जिट के लिए वो सीढ़ी है, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि शीशा से रिफ्लेक्ट कर रहा है और रात का टाइम है इस वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे नीचे का व्यू है काफ़ी शानदार लग रहा है, यहाँ पे आप बिल्डिंग वल्डिंग लाइट वाइट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी तो हम लोग चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो ठीक है देखते हैं हम लोग आगे और क्या है। और आप इधर आएंगे तो यहाँ पे सेल्फी जोन है और इस तरफ देखेंगी तो ये सरोजिनी नायडू जी है और उनका कुछ लिखा हुआ कोट्स इधर में है। साथ ही अगर देखेंगे तो जो भी पॉपुलर लोग हैं हमारे देश के, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, तो ये लोग भी अपना जो जो पॉपुलर कोट्स है वो सब लिखे हैं इधर में। अगर बिलिंग विलिंग काउंटर के लेकर के है, सामने अगर चेयर देखेंगे तो चेयर के साथ एक चम्मच मिलता है और एक मेनू टाइप का मिलता है, तो ये सब है। और अभी फिलहाल जो भी लोग हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं इसको कि ये जो शिफ्ट ख़त्म होगा, क्योंकि 2 शिफ्ट है, 5 से 6, 6 से 7, उसके बाद फिर से यहाँ पे खाने का जो प्रोग्राम है वो चालू हो जाता है। और जैसा कि आपको बताया है कि ये 2017 में चालू हुआ और 2019 में 2 साल के समथिंग रेडी भी हो गया ये पूरा, तो काफ़ी सही है। कोलकाता में काफ़ी यूनिक है, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे यहाँ कुछ खाने के लिए, वो भी वीडियो ज़रूर डालेंगे। चलिए आइए आगे कैसा है वो देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का चीफ मिनिस्टर ममता दीदी है और यहाँ पे अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड फर्स्ट विनर पैलेस, ये सब जो अवार्ड का फोटो है। फिलहाल यहाँ ये फोटो वोटो जितना दीवार पे है सब वाल पेपर किया गया है। उसके बाद अगर इधर देखेंगे तो इधर पूरा प्रिपेयर हो रहा है, जो टाइम अभी बताया था आपको अभी के टाइम में पूरा प्रिपेयर होता है कि कैसे अभी के टाइम में जो यहाँ घूमने का टाइम हो उस समय में सब पूरा रेडी होता है। दादा खाने का टाइम कितना बजे से? 7 बजे से ना, 5 बजे तक, 5 बजे के बाद घूमने का है ना। इधर देखेंगे तो इधर रिसेप्शन है और आपको फ्री वाईफाई भी इधर मिलता है आपको देखने के लिए, तो सही है। और यहाँ पे आपको एक टेलीफोन मिलता है जो कि घर पे बात करने के लिए नहीं है, यहाँ के यूज के लिए, इसका ख्याल रखे जरूर। इसके बाद अगर इधर राउंड अगर लेते जाएं आप तो बस वॉलपेपर ही वॉलपेपर है और इधर सड़क का व्यू है, इधर वॉलपेपर ही वॉलपेपर है और एयर कंडीशन है। और आपको एक बात और बता दूँ, ऊपर आए तो वॉशरूम का कोई सुविधा नहीं है, तो जो करना है नीचे से करके ही आए, तो ये चीज़ का आप ख्याल रखें जरूर। और बाइक वाइक पार्किंग हो तो नीचे अवेलेबल है पार्किंग, उसके लिए दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट हाफ कवर किए हैं हम लोग, और हाफ के बाद यहाँ से हम लोग और जो बचा खुचा है उसको कवर करेंगे। अगर यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो रहा है जो कि देख सकते हैं नीचे में, क्योंकि यहाँ पे आरजीकर कॉलेज में जो इशू हुआ था उसको ले करके। और ये आपका वीडियो है, आपका ऊपर से वीडियो कर रहे हैं हम लोग और काफ़ी सही है क्योंकि अभी हम लोग लिफ्ट से जाएंगे नीचे उसको ले करके। और यहाँ पे ये जो सीढ़ी है ये आपका इमरजेंसी एग्जिट के लिए, ऐसे अलाउ नहीं है जाना, बट आप इमरजेंसी में अगर कुछ हो उस वक्त जा सकते हैं और यहाँ का व्यू दे सकते हैं। काफ़ी अभी वेदर है क्योंकि यहाँ पे बारिश वरिश का मौसम है, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, आप टेलीफोन कर सकते हैं। और जो कि टेलीफोन है कोई अदर इशू होने की वजह से ये यूज हो सकता है, उधर भी लिफ्ट है बट उधर का चल नहीं रहा है
और एक सामने लिफ्ट है, तो इधर का चल रहा है बट अभी आता है ऊपर, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं ऊपर का व्यू काफ़ी सही लग रहा था, अगर देखेंगे यहाँ से तो बादल वादल भी है। और हम लोग का लिफ्ट आ गया और लिफ्ट काफ़ी खाली है। ये भी व्यू आ रहा है इधर से, अगर आप देखेंगे सामने से आगे दिखा दो, मस्त व्यू आ रहा है क्योंकि हम लोग ऊपर से लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं, भी काफ़ी सही है और ऊपर से देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, 100 रुपीज़ में आप घूम सकते हैं, और आने के लिए बुक माई शो पे जाके वहाँ से, यहाँ का टिकट होता है 100 रुपीज़ करके पर पर्सन होता है, तो वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। और जो भी ब्लॉग में होगा हम लोग ज़रूर दिखाएंगे आपको। और इस तरफ अगर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा हम लोग जो ऊपर थे वही इतने ही सर्कल में ही हम लोग घूम रहे थे, काफ़ी इंजॉय था हुआ है। और बारिश हो रहा है तो फील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो बढ़िया है यहाँ पे आप आ सकते हैं, आके इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। अभी तो बारिश का मौसम है तो काफ़ी सही लग रहा है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर नए वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। और अभी तो नया चैनल है, अभी हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो नहीं लग रहा था कि अभी 1500 फॉलोअर हो जाएंगे, बट अभी तक हो गए हैं। और आप लोग को मदद से इस वीडियो पे कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, और वीडियो को आपको अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर से दूसरे वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।